हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत वे प्रतिदिन अपनी ड्यूटी पर पहुंचकर विभागीय अधिकारियों को अपनी लोकेशन सेंड करेंगे। प्रदेश भर के आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए यमुनानगर जिला सचिवालय में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संबंधी आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की नेता रेखा सैनी ने कहा कि अधिकांश आंगनवाड़ी वर्करों के पास स्मार्टफोन नहीं है और कई आंगनवाड़ी वर्करों को तो स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता। सरकार को ये तुगलकी फरमान तुरंत वापस लेना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन से सीटूआई एंड सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन है हमारी, और मैं जिला प्रधान रेखा सैनी। आज का जो हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो दिया है सभी वर्कर्स और हेल्पर्स ने मिलकर, वो स्टेट लेवल पे आज सभी जिलों में किया जा रहा है। तो आज की जो हमारी मांग है वो ये है कि हमारे डिपार्टमेंट ने कल ही एक लेटर जारी करा है, वो भी दोपहर बाद जो भी ड्यूटी टाइम के बाद किया है, और उसमें ये मांग की थी अधिकारियों ने कि सभी वर्कर्स और हेल्पर्स ने जो है 24 तारीख को अपने सेंटरों में जाकर वहाँ की लोकेशन अपने मोबाइल्स में टैप करनी है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हम काम करने के लिए मना नहीं कर रही कोई भी वर्कर हेल्पर, पर हमारी मांग ये है सरकार से कि या तो हमें स्मार्टफोन दिए जाएं, हमें डाटा दिया जाए, सिम दी जाए, तभी तो हम विद रिचार्ज हमें ये सब जो है उपकरण उपलब्ध कराया जाए, तभी हम अपना काम आगे शुरू करें। और कुछ वर्कर्स जो हैं हमारी जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनको फ़ोन तक नहीं चलाना आता, तो वो अपनी डाटा लोकेशन कैसे टैप कराएंगे अधिकारियों को। तो हमारी जो मांग है सरकार से वो ये है। और दूसरा हमारा जो है हड़ताल का नोटिस जो है, पहले तो हम अपना ज्ञापन इसी स्मार्टफोन को लेकर अपने डीसी को और पीओ मैडम के माध्यम से सीधा डायरेक्टर को भेजेंगे पंचकूला। और दूसरा हमारा 7, 8 और 9 तारीख को जो है हमारे पूरे स्टेट लेवल के उपलक्ष्य में जो है पूरा आंदोलन चलेगा 3 दिन का, और 9 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन है जो हर साल हम मनाते हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार ने जो है सितंबर महीने में 2018 में एक हमारा जो है मानदेय में बढ़ोतरी करी थी कि 1500 रुपये जो है वो वर्कर और 750 रुपये जो है हेल्पर को पदोन्नति के रूप में दिए जाएंगे, जो कि आज पूरे 2.5 साल हो गए हैं सरकार ने हमारी वो मांग पूरी नहीं की है। और आप ये देखें कि आजकल जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उसमें भी जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को 1 कैटेगरी पे रखा गया है, लेकिन उसके लिए भी जो है वर्कर हेल्पर को कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, उनको कोई बीमा योजना नहीं दी जा रही है, कोई स्मार्टफोन नहीं है। तो वो वैसे काम करने के लिए तो वर्कर और हेल्पर 1 की कैटेगरी में रखी है, लेकिन उनको वेतन देने के तौर पर एक मानदेय भी उनके लिए नहीं है सरकार के पास, तो वो अपना काम कैसे करेंगे। उनके घर पर अगर ड्यूटी के दौरान किसी वर्कर से हेल्पर को हादसा हो जाता है, दूसरा हमारी कई वर्कर्स जो है वो खुद इस बीमारी से ग्रस्त हुई हैं, उनके यहाँ तक कि उनके परिवार की भी जांच जो है वो सरकार के द्वारा नहीं की गई है, और कुछ वर्कर्स जो है हमारी अपनी जान से हाथ धो बैठी है इस महामारी में, उनके परिवार को कोई आश्वासन नहीं है, उसके बच्चों का कोई पालन पोषण नहीं। सरकार से क्या अपील है? हमारी सरकार से अपील है कि जो भी हमारी वर्कर्स हेल्पर्स जो है इस महामारी में काम कर रही है, उनको उनका मानदेय दिया जाए, टाइम सर दिया जाए, जो भी मतलब एक तो महामारी फैली हुई है और दूसरा हमारा जो है जो थोड़ा बहुत जो हमें मानदेय मिलता है वो भी हमारे पास टाइम पे नहीं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती आगे क्या रहेगा? हाँ जी, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, हाँ अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारी स्टेट लेवल कमेटी की मीटिंग है रोहतक में 27 तारीख को, वहाँ पर आगामी आंदोलन किया जो पूरी मतलब तैयार किए जाएंगे, उसी के साथ हमारे आंदोलन आगे जोर जबरदस्ती से चलेगा।